हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विस हेल्प में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपने ग्राम पंचायत की जॉब कार्ड नंबर ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं खुद से। हाँ फ्रेंड्स, अपने जॉब कार्ड कैसे निकाल सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से खुद से घर बैठे। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में अपने मजदूर भाइयों के लिए एक आसान तरीका क्यों नहीं समझा दूँ अपने जॉब कार्ड निकालने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं सीएससी से रिलेटेड मैं काम करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे मजदूर भाई आते रहते हैं और पूछते हैं कि मेरा जॉब कार्ड अभी तक बना नहीं है, और बनाने हुए मतलब अप्लाई करते समय मुझे 1 से 2 महीना पार हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी बन के नहीं आया, ना पता है मुझे कितना मेरा जॉब कार्ड नंबर है। और कितना भी मजदूर भाई आते हैं कि मेरा जॉब कार्ड तो बन गया है, पर मुझे पता नहीं है कि वो मेरा जॉब कार्ड नंबर कितना है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो क्यों ना बना दूँ आसान से, आसान तरीका से, तो मजदूर भाई भी समझ जाएंगे आसानी से कि मेरा जॉब कार्ड कैसे निकालते हैं, और को पता भी चल जाएगा कि मेरा जॉब कार्ड अभी तक बना है या नहीं बना है, और बन भी गया है तो मेरा जॉब कार्ड नंबर कितना है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो हमें इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, जिससे फ्रेंड्स आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे फायदा होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहें और चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपनी ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं अपनी मोबाइल की क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया हूं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है मनरेगा। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूं यहां पे मनरेगा। मनरेगा लिखने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं narega.nic.in का ऑफिशियल वेबसाइट का नाम यहाँ पे आ चुका है। तो आपको फ्रेंड्स, सबसे ऊपर वाला वेबसाइट पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अगला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, आपको इस लोगो डिज़ाइन को आपको सबसे पहले यहाँ पे कट कर देना है। कट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के बगल में स्टेट लिखा हुआ है, आपको स्टेट पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं स्टेट पर क्लिक कर दिया हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडिया में जितना भी स्टेट है यहाँ पर पूरा स्टेट का नाम यहाँ पे आ चुका है। तो स्टेट में नाम आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, इस स्टेट को आपको चूज करना है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं सभी भी अपने इंडिया में जितना भी राज्य हैं, सभी के एक ही तरीका है देखने के लिए जॉब कार्ड, और सभी भी आप देख सकते हैं, और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस स्टेट को आपको सबसे पहले यहाँ पे चूज करना है। चूज करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपना स्टेट को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। मैं झारखंड से हूँ, तो अपना स्टेट को झारखंड पर क्लिक करके चूज कर लेता हूँ। तो मैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अगला पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो आपको फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाला पेज नहीं चूज करना है, आपको सीधे यहाँ पे MIS रिपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक नहीं करना है फ्रेंड्स, मतलब इसके ऊपर आना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अकाउंट एंड EFMS के नीचे यहाँ पे आना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब कार्ड, जॉब कार्ड का यहाँ पे नाम आ चुका है। तो आपको जॉब कार्ड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अगला पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। रिपोर्ट पेज मेरा ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल, मतलब आप जिस भी वर्ष को देखना चाहते हैं, इसको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा।
जैसा कि फ्रेंड्स मैं अपनी स्टेट को 2020-21 के अंदर में अप्लाई करवाया हूँ अपना जॉब कार्ड, तो मैं अपना 2020-21 में मैं देखने वाला हूँ। आप जिस भी स्टेट से, जिस भी मतलब वर्ष से आप अप्लाई करवाए होंगे उस स्टेट पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स मैं 2020 में अप्लाई करवाया हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया है, मेरा जॉब कार्ड अभी तक बना नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज इसी भी तरीका से अपने मजदूर भाई के लिए भी समझा दूँ और अपने खुद भी देख लूँ। तो फ्रेंड्स आपको जिस भी वर्ष से आप मतलब अप्लाई करवाए होंगे उस वर्ष को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं 2020-21 से किया हूँ, तो मैं 2020-21 पर क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो ऑप्शन आने के बाद फ्रेंड्स आपको सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जिस भी स्टेट पर मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट को अपना सिलेक्ट करना है। मैं गिरिडीह मतलब डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं अपने गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट को चूज़ यहाँ पे कर लिया हूँ। चूज करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद सिलेक्ट ब्लॉक का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो आपको सिलेक्ट ब्लॉक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना ब्लॉक को ढूंढ लेंगे, आपका ब्लॉक किधर है। तो अपना ब्लॉक को ढूंढने के बाद फ्रेंड्स मेरा गिरिडीह है, तो मैं गिरिडीह को पर यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। तो मैं इसके बाद फ्रेंड्स मेरा पंचायत सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो मैं अपना सिलेक्ट पंचायत पर यहाँ पे क्लिक करके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ब्लॉक चूज करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो मैं अपना ब्लॉक को यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ और सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा चौदह डी मेरा जो पंचायत है, मेरा चैदा डी पंचायत का नाम है। तो मैं अपना पंचायत पर यहाँ पे क्लिक कर लिया हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सीधे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब कार्ड नंबर और इधर नाम यहाँ पे आ चुका है। अब जिस भी मजदूर भाई को किस हैं, तो आपको सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत के यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका यहाँ पे जॉब कार्ड आ चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें से आपको ढूंढना है कि आपका नाम किधर है और जॉब कार्ड पे फिर से क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं अपना नाम यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। कुछ टाइम लग सकता है फ्रेंड्स, तब तक हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो हमेशा चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ और आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल तो सब्सक्राइब कर ले यार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा चैनल मतलब मेरा यहाँ पे नाम आ चुका है। तो फ्रेंड्स मैं अपना नाम के बगल में मेरा जो जॉब कोड नंबर है मैं उसका यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि फ्रेंड्स मैं अपना जॉब कार्ड के नाम के मतलब जॉब कार्ड नंबर के ऊपर मैं अपना क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जॉब कार्ड आ चुका है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जॉब कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, मायोनस कजूर मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब कार्ड मेरा यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें और थोड़ा सा छोटा सा कमेंट कर दें। तो फ्रेंड्स चलते हैं।